आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास सेवंथ का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सिंपलीफाई, मतलब हमें इनको क्या करना है, सिंपलीफाई मतलब सिंपल वे में लेके आना है इनका आंसर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला सेवंथ का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप ध्यान से देखो, 2/3 + 5/6 - 1/9। तो इनके डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 3, 6, 9। तो सबसे पहले 3, 6, 9 का बच्चों एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है हम वो देखते हैं। तो बच्चों एलसीएम लेते हैं इस तरीके से 3, 6, 9। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो देखो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। तो बच्चों एलसीएम कितना आ गया, 18 आ चुका, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, 18 है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे 9 है, 9 को आप 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 9 2 जा 18 होता है। तो आपने 2 से इधर किया तो 2 से आप ऊपर भी करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों को प्रॉपर्टी को सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे 6 है, आपको 6 में मतलब है उसको एलसीएम कितना बनाना है, 18 बनाना है। तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18 बनाने के लिए, 3 से 6 3 जा 18। 3 से आपने नीचे किया तो बच्चों 3 से आप मल्टीप्लाई ऊपर भी करोगे, कर दिया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, बिकॉज 6 3 जा 18। तो आपने 6 से नीचे किया तो बच्चों ऊपर भी किससे करोगे, 6 से करोगे, हाँ है ना। लिखो लिखो बच्चों आगे 6 2 जा 12। अब देखो सबसे पहले ये देखो डिनोमिनेटर में सभी जगह 18 बन गया, 6 3 जा 18 6 3 जा 18 9 2 जा 18, हाँ सर बन गया, ठीक है। तो बनने के बाद बच्चों आप जो ऊपर प्रॉपर्टी होती है, ऊपर जो नंबर होता है उसको लिख दीजिए, 6 2 जा 12। आगे किसका निशान है, प्लस का, 5 3 जा 15। आगे 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन किसका निशान था बच्चों यहाँ पे, माइनस का। हम इसको ऐड करेंगे, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 1 और 1 कितना हो गया, 2 - 2/18। 27 में 2 माइनस हो गए तो बच्चों बचा 25/18, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर है बच्चों फ्रैक्शन के अंदर, कई बार आंसर क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिया होता है और बच्चे कहते हैं सर आपने ये आंसर सही नहीं निकाला। तो बच्चों ये सही आंसर, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं, आप क्या करोगे इसको इससे डिवाइड दोगे, ठीक है। तो देखो हम डिवाइड देते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हमारा, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ, जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर होता है उसको सेम लिखो, ठीक है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करो, जो 25 के नियर अबाउट हो, नजदीक हो, तो आप 18 1 जा 18 नियर है, 18 2 जा 36 वो तो इससे बड़ा चला गया, तो आपको नियर अबाउट लेना था, तो बच्चों यहाँ पे कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, क्योंकि हम ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, 18 1 जा 18 हो गया। अब इधर कितना है, 25 है, तो 18 में कितने ऐड करें कि 25 बन जाए, तो आप यहाँ पे लिखोगे 7। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों, 1 right 7/18, ये भी इसका क्या है आंसर, ये किस में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 के अपॉन में कुछ नहीं, तो हमने क्या लगाया, 1 लगाया, ठीक है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज करो, 2 4 जा 8 और 1 9 9/2 - 4 2 जा 8 और 1 9 9/4 4 2 1। एलसीएम कितना है, सिंपल है, 4 आ रहा है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेने के लिए, 4 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे तो खुद 4 है ही, यहाँ पे 2 से क्या, तो ऊपर भी किससे करोगे, 2 से, यहाँ पे 4 से क्या, तो ऊपर भी किससे करोगे, 4 से। अब इक्वल हो गया, 4 8 जा 32 - 9 2 जा 18। आगे माइनस 9, देखो -18 और -9 कितना होता है बच्चों, माइनस का 27। आगे क्या है, 32 अपॉन में कितना है बच्चों, अपॉन में 4, 32 में 27 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो कितना जाएगा, 5/4। ये किस में आ गया आंसर, फ्रैक्शन के अंदर। अब वही बात, इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना है, तो ये डिनोमिनेटर में क्या है, 4, तो 4 का 4 रखिए, ठीक है, 5 के नियर अबाउट होना चाहिए, 4 की टेबल लीजिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 8, तो बड़ा चला गया इससे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 1 जा 4। 4 में कितना ऐड करें, 5 आ जाए 1, तो आंसर क्या हो गया, 1 right 1/4। ये किसमें आ गया, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 right 5/6 - 3 right 3/8 + 1 right 7/12। 6 8 जा 48, बच्चों 8 6 जा 48 होते हैं, 48 में आपने कितने ऐड किए, 5 ऐड किए, कितना हो जाएगा, 53 53/6, ये तो हो गया। आगे देखो 8 3 जा 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 20, कितना बच्चों, 24 और 3 27 / 8 + 12 है, 12 1 जा 12 और 7 कितना हो गया, 12 और 7 19 19/12। एलसीएम कितना आ रहा है, 6 8 12, एलसीएम आ गया बच्चों 24।
तो बच्चों 24 एलसीएम है, तो आप 6 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 24 आ जाए, किससे करेंगे 4 से, बिकॉज 6 4 जा 24, जब आप 4 को यहां से कर रहे हो तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 8 है, 8 को 24 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, 8 3 जा 24, 3 से यहां पे क्या, तो 3 से आप कहां पे करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे कितना है 12, 12 को 24 बनाने के लिए कितने से करते हैं, 2 से, इसको किससे करोगे, 2 से करोगे। 4 3 जा 12, 12 का 2 1 कैरी होगी, ठीक है। 4 5 जा 20, 20 और 1 कितना हो गया बच्चों, 21, मतलब ये आ गया 212। माइनस 27 को 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 81। आगे 9 2 जा 38, ठीक है बच्चों। यहां तक होने के बाद में प्लस प्लस की वैल्यू को पहले ऐड कर दीजिए, प्लस का 212 है और 38 है, तो इसका 2 इसका 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 0 1 कैरी होगी। 3 और 1 4, 4 और 1 5, और बच्चों यहां पे 2 का 2 था तो कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है। माइनस में 81, उसमें माइनस करना 81 और अपॉन कितना है 24, करो माइनस, 0 में 1 और जाता है माइनस, नहीं होता आप माइनस ऐसे भी कर सकते हो, इसके नीचे 81 लिख के ऐसे माइनस कर सकते हो, 0 में 1 चल जाएगा, नहीं जाएगा। एक कैरी लोगे 10 में 1 गया तो 9, यहां पे कैरी लेने के बाद बचा 4, तो मतलब 4 मतलब 24, 24 में आप 8 माइनस कीजिए कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16, ठीक है। तो यहां पे आ गया हमारे पास 169 अपॉन 24, ये इसका क्या आ गया बच्चों आंसर, ठीक है। थैंक्स बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय, टेक केयर।